अजमेर का ये भंडारा। आज परम पूज्य आलोक भाई साहब और हम सब कैलाश जी के और घर पे गए और अभी जो जैसा परम पूज्य संजीव भैया कह रहे थे वैसा कष्ट उनका देखा। और सविता भाभी जी परम पूज्य आलोक भैया के सामने तो परम पूज्य आलोक भैया ने कहा कि इनके लिए प्रार्थना करनी। बहुत उनको भी बहुत कष्ट हुआ क्योंकि इस भंडारे में हमेशा उनकी सेवा हमेशा रही और अभी कमी खल रही है। सारी व्यवस्था खाने इत्यादि की वो भी देखते थे और हमेशा जब ऐसा कुछ होता है तो सभी के लिए गुरु महाराज से यही प्रश्न होता है कि फिर आपकी कृपा क्या है और उसी का उत्तर परम पूज्य पंडित जी महाराज के शब्दों में है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जैसा वो हमेशा कहते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये शब्द पंडित जी महाराज के हमेशा रहते थे। कोई कैसा भी समाचार लाता अंत में वो यही कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि अंत में सब अच्छा ही अच्छा, यही संतों का राज है जो आम आदमी नहीं समझता, बरसों बाद उसको समझ आता है कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और यही उपासना की कुछ जैसा बतलाया साधक की परीक्षाएं जिनसे उत्तीर्ण होना, तभी जैसा गुरु महाराज ने कहा है कि उपासना में जब साधक आता है तो उपासना और फिर दर्शन दोनों के मध्य का सारा काम है। सूक्ष्म में तो गुरु के सम्मुख आते ही जब जो जिज्ञासु है उसको गुरु अच्छे लगने लगते हैं और वहां से वो प्रभावित होता है और तब वो सोचता है कि मैं भी ऐसे ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करूं, तभी से उपासना में दाखिल होता है। वो स्थूल से नहीं, उसकी दाखिला सूक्ष्म से होता है क्योंकि यहाँ मन क्रिया कर रहा है और जब मन सधने लगता है तो उसका स्थूल स्वतः सध जाता है। और जब वो उपासना में उनकी अपने प्रेमी के जो परम दिव्य पुरुष हैं उनकी जब उपासना का जो मुख्य ध्येय है इस गुरु के सम्मुख बैठ जाना, संत के सम्मुख बैठ जाना, और जब एक अवसर आता है जब संत अपनी आत्मा से उसकी आत्मा का संग ले ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां पर सुरती ऊपर उठने लगती है और उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो सिमटने लगती और उसको ऐसे ऊंचे लोकों के दर्शन होते हैं और उसको भव्य प्रकाश भी दिखलाई पड़ता है और ऐसे में मल और आवरण हटकर वो एक अलग अवस्था ऊंची अवस्था में उसका अनुभव प्राप्त होता है। उसके बाद वही
उपासना का मार्ग, जब वो आगे उसी मार्ग पर चलता है, तो ऐसे में जो प्रकाश है, जो उसकी आत्मा का प्रकाश है, वही उसके सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। और जो कारण शरीर है, वो जब ऐसे संतों के जब वो अपना लेते हैं, तब उसके यही साधना के द्वारा उसके कारण शरीर पर जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है, तो उसका असर उसके सूक्ष्म शरीर पर होता है। जहां पहले मन का असर स्थूल पे हुआ, और यहाँ कारण का असर उसके सूक्ष्म पर होता है, और धीरे धीरे उसका स्थूल और सूक्ष्म चमकने लगता है। उसके अणु परमाणु उसी पवित्र आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित रहते हैं। ये ऐसी महान साधना है, और इसमें यही है कि जो उपासना और दर्शन के मध्य का जो समय है, जो भिक्षा और प्रतीक्षा का समय है, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि वहां पर ये सारी परेशानियां हैं, जिसकी चर्चा अभी परम पूज्य संजीव भैया कर रहे थे। वहां पर डटे रहने का वक्त, जो डटा रहा उसी को दर्शन और उसी को मुक्ति प्राप्त है, उसी को लयता प्राप्त है। ये हम ऐसे महान दरबार में बैठे हैं, और जैसा हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सभी संतों की बहुत कृपा हुई। परम पूज्य गुरु महाराज तो बहुत पहले ही यहाँ आए, जयपुर उदयपुर जाने के समय यहाँ रुके और यहाँ बीजारोपण किया, और उसका असर ये हुआ कि परम पूज्य कन्हैया लाल जी और उनके समस्त उनके चाहने वाले यहाँ रहे, और उसके बाद परम पूज्य जिया माँ भी रही, जो परम पूज्य मेजर साहब के यहाँ रही, उन्होंने उस परिवार पर ऐसी कृपा की कि जैसे तो जो मेजरनी ताई जी थी उनको उन्होंने रोक लिया, और वो आखिरी 15 दिन जयपुर में वो उनके साथ रही, उनके सारी बाल बहाना ये करना वो जो, और संतों का जब विशाल होता है तो वो जो अंत समय होता है, वो अपनी सारी कमाई बिना किसी योग्यता को देख सबको लुटाते हैं। ऐसे समय में उनको ये सानिध्य बहुत ही दुर्लभ था जो उनको प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो भी वहां से प्राप्त किया, चाहे वो परम पूज्य जी अम्मा के बाल हों, चाहे कुछ भी हों, वो सब वो सजो के अपने घर ले आए, और वो छोटे छोटे उन्होंने उसके ताबीज बना लिए, और आज भी गांव में और उनके सारे पौत्र पौत्रियों पे वो रहता है, और कुछ भी होता है तो सब परम पूज्य जिया माँ का गगराना में और सब जगह सारे घरों में उनकी पूजा होती। ऐसे सब ये अजमेर भंड का जो ये स्थान है, ये भंडारा है, बहुत पुराना है, और उस पर गुरु महाराज की बहुत कृपा है। तभी परम पूज्य आलोक भैया, परम पूज्य संजीव भैया, सब लोगों का यहाँ बड़ा ध्यान है। हम 2 मिनट गुरु महाराज को ये नैवेद्य अर्पण करें और प्रार्थना करें कि ऐसा ही हमको आपका ये सानिध्य हमेशा प्राप्त हो, और ऐसी ही अवस्था हमें हमेशा प्राप्त हो जहाँ हम आपके संग का, आपके जो आपके अलौकिक अमृत कणों की वर्षा है, उसमें हम हमेशा भीगते रहें।
दो मिनट ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें और कृपा करें। Basque.